माई सेल्फ आयशा मुगल, मैं पाकिस्तान पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन को एज अ मार्केटिंग हेड लीड कर रही हूँ। आज यहाँ पे एक छोटी सी एक्टिविटी थी ओवरसीज़ हॉस्पिटल में, जो हमारे ओवरसीज़ के मेंबर्स हैं उनके साथ एक एक्टिविटी प्लान की थी कि उनके साथ एक छोटा सा मीटअप हो, और ओवरसीज़ हॉस्पिटल अभी तक जहाँ तक पहुँच गए, जो हमारी अचीवमेंट्स हैं हमने उनके साथ वो शेयर की हैं, और फर्दर हम इसकी एक्सपेंशन में क्या क्या चीज़ें चाहते हैं हमने उनसे वो डिस्कस की हैं, और उनके साथ कीप इन टच रहने की और हमारे साथ कोऑपरेट करने की जो है वो सारी प्लानिंग की है, ताकि कमिंग ईयर में या आफ्टर 6 मंथ्स हम दोबारा एक एक्टिविटी प्लान करें। और जैसे आज हमने अपनी 1 साल की सक्सेस स्टोरीज शेयर की हैं, आफ्टर 6 मंथ्स और मे बी आफ्टर 1 ईयर वील कनेक्ट अगेन इन दिस प्लेटफॉर्म और हम शेयर कर सकें कि अब हम कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। मुनीर चौधरी है जी, मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ रियाजुल जन्नत हॉस्पिटल मंडी बहाद्दीन, और हेड करता हूँ इंटरनेशनल हेल्थ एंड सोशल नेटवर्क नॉर्वे को। और 1994 में ये इदारा हमने नॉर्वे में इस्टेब्लिश किया था, उसकी एक सब ब्रांच कह लें या कि पार्टनरशिप के लिए पाकिस्तान में मंडी में हमने रियाजुल जन्नत हॉस्पिटल के नाम पे एक हॉस्पिटल और एक अल मुनीर इंटरनेशनल स्कूल, जिसकी इनॉग्रेशन के लिए मैं पाकिस्तान आया हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज ओवरसीज़ हॉस्पिटल का विज़िट है, जिसको मैं ख़ुद पर्सनली तौर पर विज़िट कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, और हमारी सब दोस्तों की मिलकर कोशिश ये है कि इस तरह की जितनी भी इंटरवेंशन है उनको एम्पावर किया जाए। उसके साथ एज ए प्रोफेशनल मेरी सारी हमदर्दियाँ इस हॉस्पिटल के साथ है, और अपने इलाकों के लोगों की बेहतरी के लिए हम काम करना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया। हम इधर आए हैं, आज विज़िट किया हमने ओवरसीज़ हॉस्पिटल, माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा है। तमाम दोस्तों की जो एफर्ट्स हैं वो यहाँ पे ऑन ग्राउंड जैसे लोगों को सर्विसेज मिल रही हैं, तो मज़ा आ रहा है कि जो भी एफर्ट्स किए हैं लोगों ने, चाहे वो फंड रेजिंग में किए हैं, हॉस्पिटल बनाने में किए हैं, चलाने में किए हैं, तो उन सब का जो है ना वो यहाँ पे फ़ायदा हो रहा है और नज़र आ रहा है फ़ायदा होता हुआ, लोगों को इस चीज़ का जो है ना इलाज मिल रहा है, तो मतलब खुशी हुई है हमें यहाँ पे। बहुत शुक्रिया। ये मंडी बहाद्दीन के लिए जो ओवरसीज़ अस्पताल है, ये एक गिफ्ट है, तोहफा है। हम सब लोग इनके ओवरसीज़ भाइयों के मशहूर हैं, जिन्होंने इतनी मेहनत की, इतनी कोशिश की, खास करके इसमें जो सबसे ज़्यादा रोल है वो माशाल्लाह अल्लाह ताला। जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हूँ ओवरसीज़ हॉस्पिटल में, जहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं जनाब वाइस चेयरमैन ओवरसीज़ हॉस्पिटल मंडी बहाद्दीन जनाब हुमायूं सिकंदर वड़ाई साहब। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जैसे कि इनकी कैटेगरी है जहाँ पर ज़कात और सदकात के मुस्तहिक जो मरीज़ हैं उनका फ्री इलाज किया जाता है। तो हुमायूं भाई मुझे बताइएगा कि लोग इस रमज़ान में आपको कैसे ज़कात और जो सदकात हैं वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और क्या इसका क्राइटेरिया आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आदिल भाई, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा ओवरसीज़ अस्पताल पहले दिन से ओवरसीज़ की मदद से चल रहा है, जिसमें ओवरसीज़ बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा फंड दे रहे हैं। मैं सबसे पहले अपने ओवरसीज़ भाइयों से और बाकी लोकल कम्यूनिटी से यही गुजारिश करूँगा कि खुदा दरा इस वक्त ओवरसीज़ अस्पताल को आपकी मदद की ज़रूरत है। आप अपनी ज़कात, खैरात, सदकात ओवरसीज़ अस्पताल को दे सकते हैं, ताकि जो भी हमारे मुस्तहिक लोग हैं हम उनका ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को रिलीफ दे सकें। जैसा कि ओवरसीज़ अस्पताल के चेयरमैन एजाज बाबर साई साहब और चेयरमैन PPHF नासर अब्बास तारर साहब और हमारी पूरी कमेटी 1.5 साल से लगातार कोशिश कर रही है, ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रोजेक्ट पर मेहनत कर रही है, लोगों से फ़ंड इकट्ठा कर रही है, और अपनी तरफ से भी करोड़ों में हम फ़ंड दे रहे हैं। उसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ अपने लोगों को रिलीफ देना है। और मैं सिंपल सब लोगों को यही मैसेज दूंगा कि ये प्रोजेक्ट मंडी बहाद्दीन का अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसमें सबसे पहले हमें मेडिसन में
ओवरऑल 10% डिस्काउंट दे रहे हैं और लेबॉरेटरी में 20% डिस्काउंट दे रहे हैं। तो सारी चीज़ें आपके सामने हैं, लोगों को रिलीफ हम ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो रिलीफ हम उस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा दे सकेंगे जब आप सब लोग इस का हिस्सा बनेंगे और इसमें अपना अहम किरदार अदा करेंगे। और लास्ट में मैं यही कहूँगा, जितने भी हमारे ओवरसीज़ भाई अभी तक इस कारवां का हिस्सा नहीं बने और इसमें अभी तक उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना फ़ंड इसमें जमा कराएँ और इंशाल्लाह आपका एक एक पैसा सही जगह पर लगेगा, एक एक पैसा सही इस्तेमाल होगा। चेयरमैन की तरफ से और चेयरमैन PPHF की तरफ से भी हमारा यही मोटो है पहले दिन से कि हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के फ़ायदे के लिए और लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल करें और अपने लोगों से पैसे इकट्ठे करके अपने गरीब और मुस्तहिक लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दें। तो बहुत शुक्रिया, वस्सलाम। कि रमज़ान की आमद है और यहाँ पर जो इस वक्त हस्पताल का अखराजात हैं बहुत ज़्यादा करोड़ों के अखराजात हैं महाना, लेकिन जो उनकी फंडिंग होती है वो बहुत लो कॉस्ट है और इसके अलावा जो मरीज़ों की आमद भी बहुत ज़्यादा है। तो इसी सिलसिले में आज ये प्रोग्राम मुनक़द किया गया था, यहाँ पर बताया गया था कि ये हॉस्पिटल जो है वो कितने खसारे में चल रहा है और 8,000 से ज़ायद मरीज़ों को यहाँ पर चेकअप मरीज़ों का यहाँ पर इलाज किया जा चुका है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो है वो गायनी के मरीज़ भी शामिल हैं। और आप लोगों पे अब ये फ़र्ज़ है कि ज़िला मंडी बहाउद्दीन के इस हॉस्पिटल को ओवरसीज़ भाइयों को सपोर्ट करें। उन्होंने एक बहुत बड़ा ये इनिशिएटिव लिया है कि ओवरसीज़ हॉस्पिटल यहाँ पर मंडी बहाउद्दीन में खड़ा कर दिया, जहाँ पर गरीब मरीज़ों का इलाज जो है वो बिल्कुल फ्री किया जाता है। और जनाब इसके अलावा इनकी ए कैटेगरी है, बी कैटेगरी है और सी कैटेगरी है, मुख्तलिफ कैटेगरीज़ को ये देखते हैं उसके मुताबिक यहाँ पर इलाज किया जाता है। तो तमाम ओवरसीज़ भाइयों के अलावा भी पाकिस्तानियों से भी गुजारिश है कि ये ज़िला मंडी बहाउद्दीन की बिजनेसमैन जो कम्युनिटी है उनसे भी गुजारिश की जाती है कि अपने फंड जो हैं वो ओवरसीज़ हॉस्पिटल तक लाजमी पहुँचाइए। तो पाकिस्तान पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन को मैंने ज्वाइन किया है एज अ मार्केटिंग हेड और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी मार्केटिंग के ऊपर हम काम कर रहे हैं लेटर ऑन, और इसके अलावा फ़ंड रेजिंग भी एक मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आता है। उसमें से काफ़ी ज़्यादा लोग ऐसे हैं आप लोगों में से जिनके साथ मेरा इंटरेक्शन ऑलरेडी हो चुका है और इंशाल्लाह आगे भी आप सब लोगों के साथ मैं कीप इन टच रहूँगी। पाकिस्तान पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन के कुछ सक्सेस स्टोरीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जिसमें सबसे पहले एक प्रोजेक्ट हमारा मलकवाल के अंदर नज़ीर मेमोरियल आई हॉस्पिटल चल रहा है, जहाँ पर 2016 से ये इदारा काम कर रहा है और बेशुमार आई की सर्जरीज़ वहाँ पर की जाती हैं, मुस्तहिक अफराद को फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट प्रोवाइड किए जाते हैं और हमने कैटेगराइज कर दी है डिफरेंट सेक्शंस को कि जो जितनी एबिलिटी है उसकी उस हिसाब से हम उसको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत अच्छा इदारा चल रहा है और अब हमारे एक फ्यूचर प्रोजेक्ट में ये चीज़ आ रही है कि हमने उसकी एक्सपेंशन पे काम करना शुरू किया, उसकी कंस्ट्रक्शन चल रही है ताकि सिर्फ मलकवाल नहीं, मलकवाल की सराउंडिंग के अंदर भी जो लोग हैं, जो शहर हैं, जो इलाके हैं, गाँव हैं, वहाँ के लोग भी वहाँ पर आ सकें और अपनी आँखों से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी बीमारियाँ हैं उनका इलाज करवा सकें। उसके बाद हम चलते हैं राइजिंग स्टार स्कूल, एक स्कूल है, हम इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जहाँ पर हज़ारों की तादाद में बच्चों को तालीम की सहूलतें दी जाती हैं और जो उस स्कूलिंग को कंप्लीट करते हैं उसके बाद आईटी एक्सेलेंस का इदारा है वहाँ पर आईटी की जो है वो सारे कोर्सेज शॉर्ट एंड कोर्सेज करवाए जाते हैं ताकि वो लोग जिनके पास रोज़गार नहीं है और वो रोज़गार से महरूम बैठे हुए हैं उनको हम छोटे छोटे शॉर्ट एंड कोर्सेज करवाएँ ताकि वो आगे जाके उन चीज़ के लिए जॉब्स करें या इंडिपेंडेंटली बेस के ऊपर अपने बिजनेस या अपना सोर्स ऑफ इनकम जो है वो फाइंड आउट करें। इसके बाद अपने हिस्से की शमा एक प्रोजेक्ट है जिसके अंदर जो डिज़र्विंग नीडी फीमेल्स हैं उनकी शादियों के लिए डाउरी पैकेजेस, जहेज पैकेजेस जो हैं वो दिए जाते हैं और उसके अलावा भी जो लोग मुस्तहिक हैं उनकी जिस हद तक इमदाद की जा सकती है वो की जाती है। सोशल अगर हम प्रोजेक्ट्स की बात करें तो छोटे छोटे सोशल प्रोजेक्ट्स जो हैं जिनमें सफाई सुथराई का निज़ाम देखा जाता है, सड़कों की सफाई, गलियों की मुरम्मत, स्ट्रीट लाइट्स लगवाना, कब्रिस्तान की मुरम्मत करवाना और ये सब चीज़ें इसके अंदर शामिल हैं। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट भी एक अच्छा प्रोजेक्ट चल रहा है हमारा जिसके अंदर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए गए हैं ताकि लोगों को साफ़ पानी पीने को मिल सके क्योंकि सेहत हर एक के लिए ज़रूरी है। अब हम आते हैं अपने इस प्रोजेक्ट की तरफ जिसका आप सब लोगों ने ऑलरेडी विजिट कर लिया है, तो मैं बिल्कुल इसको शॉर्टली एक्सप्लेन करूँगी कि हमारे पास ओवरसीज़ हॉस्पिटल है
इसमें हमारे पास NICU की फैसिलिटी है, हमारे पास फैमिली फिजिशियन है, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, डेंटल का शोबा है, लैब्स हैं, लेबॉरटरीज़ हैं, उसके अलावा आपके पास गायनिक का सेक्शन है, डेंटल का सेक्शन है, ये सब सेक्शंस हैं जिनमें सर्जन और सीनियर डॉक्टर्स जो हैं अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। और हमारी कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग जिनको नहीं इस चीज़ का पता कि एक हॉस्पिटल है जो फलाही इदारा है जो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस भी दें कि वो यहाँ पर अपनी बीमारियों के इलाज के लिए तशरीफ़ लेकर आएँ। और फ्यूचर में हम चाहते हैं कि हम इस प्रोजेक्ट को मज़ीद एक्सपेंड करें, जिसमें हम अपनी फार्मेसी को एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, बाहर शिफ्ट करना चाह रहे हैं, कि हम मज़ीद बिगर लेवल के ऊपर वैरायटी ऑफ मेडिसिन जो है यहाँ पर लेकर आएँ। इसके अलावा हमारा लेबॉरटरी लैब्स का सेक्शन है, उस सेक्शन को हम एक्सपेंड करना चाहते हैं। अपने इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसिस को कवर करने के लिए हम सोलर पैनल को इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं यहाँ पर, हम ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर को यहाँ पर लेकर आना चाहते हैं ताकि मज़ीद ज़्यादा से ज़्यादा आय का शोबा यहाँ पर स्टार्ट करें। एमरजेंसी की फैसिलिटीज़ ऑल टाइम यहाँ पर मौजूद है। तो इन सब प्रोजेक्ट्स को कवर करने के लिए ऑलरेडी आप सब लोगों हर एक बंदे की मेहनत से ये प्रोजेक्ट PPHF का ओवरसीज़ का प्रोजेक्ट यहाँ पर पहुँचा है, इसके लिए हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। और मज़ीद हम आपसे ये रिक्वेस्ट हम उम्मीद करते हैं कि जैसे आज तक आप हमारे साथ चलते रहे हैं, मज़ीद आप इसकी एक्सपेंशन के लिए और इसकी बेहतरी के लिए हमारे साथ तआवुन करेंगे। थैंक यू सो मच। साहब जर्मनी में होते हैं, धोरी से। जब हॉस्पिटल का अभी हमने शुरू किया था काम, तो ये वो शख्सियत हैं कि जिन्होंने जब मैं गया जर्मनी में फंड रेजिंग के लिए, तो इन्होंने अपने दोस्तों से अपनी ज़ात से आगाज़ किया, अपने भाई 10-15 हज़ार इन्होंने पहले अपने फैमिली से इकट्ठा किया, फिर ज़फ़र साहब हैं और ज़ियाद चौधरी साहब और बाकी इनके टिक्का खान साहब सब दोस्त जो हैं इनके, इन्होंने दिन रात मेहनत करके हर एक दुकान के ऊपर गए और इन्होंने 40,000 यूरो मेरे जाने से पहले कैश की सूरत में इकट्ठा करके एक लिफाफे में बंद करके रखा हुआ था। तो मैं चाहूँगा कि आसिफ साहब के लिए हैं। अच्छा, दूसरे हमारे भाई असद हमज़ा चद्दर साहब फ्रांस में होते हैं। जो ही जब हमें ज़रूरत होती है, हम कहते हैं जी हमें 20 लाख चाहिए, हमें 30 लाख चाहिए, और अभी करोड़ के करीब जो है वो हॉस्पिटल को दे चुके हैं और मेन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में हैं। और मज़ीद इन्होंने पिछले इनका आइडिया था कि हम उन पहले हमने 15 दोस्तों को इकट्ठा किया, जिसमें मैं शामिल, इन्होंने कहा कि जी हम सारे जो हैं एक साल का कोई 10,000 यूरो देगा, कोई 15,000 देगा, को 20,000 देगा, तो उस पे जो है उन चार एक साथ में हम इसको मज़ीद बढ़ाना चाह रहे हैं। बाकी सारे हमारे दोस्त सबूर साहब ऑस्ट्रेलिया में होते हैं, उन्होंने कहा कि जी हम इंशाल्लाह इस मज़ीद इस काज को आगे बढ़ाएंगे। शायद साहब आपको मैंने कम देखा है फ्रांस में, आपकी पार्टिसिपेशन की ज़्यादा ज़रूरत है। और अख्तर अब्बास साहब वेलफेयर के साथ विरक हैं और ढोक शाणी लोग बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, आज भी कुछ डोनेशन ले कर आए हैं जो इनसे रिसीव करनी है। और मैं चाहूँगा कि ये मज़ीद अपने जो इनमें जज्बा है सोशल काम का, मज़ीद इसको बढ़ाएँ। हमायूं साहब तो हमारे ऑलरेडी बॉडी में हैं, ये इनको कौन नहीं जानता, और ये सारा काम करवाने में इनका वाइस चेयरमैन भी हॉस्पिटल के हैं, लेकिन आजकल मैं इन्हें कम देख रहा हूँ क्योंकि ये मेहमानों के लिए वक्त ज़्यादा दे रहे हैं, यहाँ पे कम दे रहे हैं। तो ज़रा मेहरबानी करके इस यहाँ पे वक्त आपका जो है वो ज़्यादा चाहिए। आप सभी का डॉक्टर साहब हमारे डॉक्टर साकिब असलम साहब खुशकिस्मती से हमें मिल गए हैं, अल्लाह ताला इन्हें जजा दे और अल्लाह ताला इनकी हिफाजत फरमाए और हम सब मिल के इसको बढ़ाने में कामयाब हो जाए इंशाल्लाह। ये साल जो है हमारा जो 2024 का है, इसके एंड पे अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह हमारा टारगेट है कि इसके लिए एक साल के लिए जो एंडोमेंट फंड के लिए सैलरी इकट्ठी करें, क्योंकि हमें सैलरी की मद में जो हमारे ऊपर 25 से 30 लाख जो है वो हमें पे करना पड़ रहा है, जो हर महीने हम डेबिट जाते हैं, और आगे हम कोई ना कोई चीज़ हमें लेनी पड़ती है, फिर हमने और काम जो है पिछली मशीनरी जो हमने ली है उसके पेंडिंग है, तो वो हम सब इन दोस्त हमारे कर रहे हैं। मंडी बोलदीन में बहुत ज़्यादा वसाइल हैं और उस वसाइल जितने हैं और जितनी तादाद में हैं उसमें 0.10% भी लोग जो हैं वो हमारे साथ अटैच नहीं है। या गाँव की मैं बात करूँ, गाँव की सतह पर जो जितनी खिदमत के लिए वेलफेयर कमेटी हैं वो सारे ओवरसीज़ जितने भी हैं लोकल हैं उनको भी मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ, और इंशाल्लाह ताला हम मिल के कलेक्टिव एफर्ट के साथ मज़ीद काम करेंगे। तो ये एक मिसाली, असल में बनाना नहीं काम होता, चीज़ ये है कि हम कल इसको हम नहीं हैं, और हमारी गैर मौजूदगी में तैयब चौरी साहब ओस्लो नार्वे में होते हैं और इन्होंने रियाजुल जन्ना अस्पताल बनाया हुआ है, बहुत टॉप क्लास का हॉस्पिटल है। चौरी साहब को मैं वेलकम भी करता हूँ और चौरी साहब को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ,
कि इन्होंने इतना अच्छा इदारा बनाया और इतना अच्छा ये काम कर रहे हैं, और वो भी इदारा जो है उसको हमने अस्पताल के साथ कनेक्ट करना है। दीगर जितने कोई डिस्पेंसरी हो या हॉस्पिटल हो, हमारी किसी सरकारी या गैर सरकारी इदारे के साथ हमारा काम है खिदमत करना। खिदमत का कोई बॉर्डर नहीं होता, उसमें कोई सरकार गैर सरकार नहीं होती, उसमें कोई मज़हब नहीं होता। आपने काम करना होता है, और वो उसको पंजाबी में कहूँ तो हमें इंसान के बच्चों की तरह काम करना चाहिए, बिल्कुल साफ नीयत से। अल्लाह ताला नीयतों के राज जानता है। यहाँ पर लोग जज ज़्यादा करते हैं, लेकिन मैं बहुत पुरुद हूँ कि हम इंशाअल्लाह ताला इसको एक ऐसा मिसाली इदारा बनाएंगे। ये आप ये यहाँ पे नहीं है, इसको कॉपी करके आपके हर ज़िले में लोग बैठे हुए हैं जो ओवरसीज़ वेट कर रहे हैं कि ये कितना काम करते हैं, किस तरह सक्सेस स्टोरी बनते हैं, इसी को रेप्लिकेट करेंगे लोग यहाँ पे, इसको मॉडल को उठाएंगे और वहाँ पे हर शहर में ये एक ओवरसीज़ अस्पताल शुरू हो सकता है। फिर एक बड़ा जो प्रोजेक्ट एक ज़िले में बनता है तो उसके साथ फिर जिस तरह यहाँ पर मुख्तलिफ गाँव के लोग हैं वो फिर आपके साथ आते हैं, फिर जुड़ जाते हैं, फिर ये खैर के काम जो हैं वो आगे बढ़ते हैं। और हमें चाहिए कि हम ये अपना जो अल्लाह ने हमें वक्त दिया है उसको हम बेहतर कामों के लिए जो है वो इस्तेमाल करें। मैं आप सब के लिए दुआ गो हूँ और आप सब का इंतहाई तह दिल से, दिल के तह खाने से मशकूर हूँ। मैं बतौर एडमिनिस्ट्रेटिव कंसल्टेंट ओवरसीज हॉस्पिटल के साथ काम कर रहा हूँ। तो हमारा जो हॉस्पिटल में इससे पहले काफ़ी डिटेल्स के हवाले से आपको विज़िट भी करवाया जा चुका है, इसमें डिफरेंट स्पेशलिटीज़ हमारे पास बैठ रही हैं, जिसमें सैयद मंसूर अलग साहब जनरल सर्जन हमारे पास बैठ रहे हैं, डॉक्टर साकिब गोंदल साहब जो हैं वो हमारे पास NICU को देख रहे हैं। ये सब जो हॉस्पिटल इस वक्त तक पहुँचा ये आप लोगों के तामन की वजह से है, और आप लोगों की मेहनत और आप लोगों की कोशिश की वजह से यहाँ पर पहुँचा है। और इसमें हम मज़ीद बेहतरी लाने के लिए, जैसे इससे पहले भी जिक्र किया जा चुका है कि हम मुख्तलिफ शोबों में कुछ शोबों को हम एक्सपेंड करना चाह रहे हैं और अपनी सर्विसज़ के मेयार को मज़ीद बेहतर करना चाह रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि एक पेशेंट यहाँ पर जो आए बेस्ट सर्विसज़ लो कॉस्ट पर लेके जाए, जैसे कि हमारी इमरजेंसी में जस्ट 100 रुपी, 100 रुपी में मेडिकल ऑफिसर पेशेंट को चेक करता है, ECG की ज़रूरत है ECG करता है, और इसको मेडिसन्स जहाँ पे अगर वो नॉन फोर्डिंग पेशेंट है तो उसको प्रोवाइड की जाती हैं। 10% फार्मेसी को हम डिस्काउंट ऑलरेडी तमाम लोगों को दे रहे हैं, लैब पे 20% हम दे रहे हैं। हम इसी तरह हम अपने हॉस्पिटल की सर्विसेज को मज़ीद बेहतर बनाना चाहते हैं। इसमें यह है कि हमारे जो फ्यूचर प्लान है, सर ने आपसे पहले भी शेयर किए हैं कि हम फार्मेसी को फ्रंट पे लेके जाना चाह रहे हैं, एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, लैब की सर्विसेज को हम बढ़ाना चाह रहे हैं, हमारा सोलर पैनल का प्लान है, हमारे डिफरेंट स्पेशलिटीज़ और डिफरेंट सर्विसेज जो हम यहाँ पे लाना चाह रहे हैं। जैसे रिसेंट ही अभी रमज़ान के बाद डर्माटोलॉजिस्ट की हमें ज़रूरत पड़ी, सर से मशवरा किया, डर्माटोलॉजिस्ट को हम यहाँ पर लेके आ रहे हैं। डॉक्टर शहजाद मंजूर साहब हैं, लाहौर के बड़े मशहूर डर्माटोलॉजिस्ट हैं, ईद के बाद वो वहाँ पर ज्वाइन करेंगे। तो इस सिलसिले में आप लोग पहले भी तामन कर रहे हैं और आपसे रिक्वेस्ट होगी कि मज़ीद हम इसको स्पेंड करने में हैर के कामों में आप लोगों का हमें तामन चाहिए होगा। जी बहुत शुक्रिया। नसली अलास रसूल करीम अम्माबाद फौजबिल्लाशैतवानरजीम बसमिल्लामानरिम अलकुम सलूट टू ऑल ओवरसीज़ पाकिस्तानी। मैं बेहद मशकूर हूँ और तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप यहां आए और मेरे हॉस्पिटल के अंदर, बल्कि आपने जिसकी बुनियाद रखी इस हॉस्पिटल की और जो उसमें शेर दिया वो काबिले तहसीन है। आपने इस धरती की मिट्टी का मान रखा और दर्द रखा अपने अहले मंडी बहाउद्दीन और उससे मलका इलाकों का कि आप बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट के हवाले से आप लोगों की जो सोच थी उसको हम लेकर आगे चल रहे हैं। तमाम जो हमारी बेसिक सहूलियात हैं जो हम यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह 24 घंटे कर रहे हैं, और बखूबी आप लोगों के तआवुन से अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला जारी है और इंशाल्लाह जारी रहेगा। अब अगर हम थोड़ा सा तस्करा इस हवाले से कर लें कि जो मतलब फैसिलिटीज़ हम दे रहे थे और उसके ऊपर जैसे हमने कहा लेबॉर्ट्री पर हम 20% डिस्काउंट दे रहे हैं, 10% हम फार्मेसी पर दे रहे हैं, उसके अलावा हमने पेशेंट को कैटेगराइज़ किया है ताकि जो लोग नादार हैं या गरीब हैं या ज़कात के मुस्तहिक हैं उन्हें भी अकोमोडेट करें, लेकिन उन्हीं सहूलियात के साथ जो दूसरे लोग अवेल कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा स्टेटिस्टिकल डेटा आपसे शेयर कर लूं जो मेरे ख़ास डोमेन में होगा, बाकी चीज़ें तो आपसे डिस्कस हो चुकी हैं, उसमें थोड़ा सा ये हाईलाइट कर सकूँ कि हमारा बिजली का जैसे ख़र्चा बहुत ज़्यादा आ रहा है तो हमारी प्रायोरिटी ये होगी कि हम वहाँ पर जो है वो सोलर पैनल की तरफ आएँ जिसमें तकरीबन 35 से 40 लाख तक का एक्सपेंस है। इन सेम वे
अगर आप देखें कि हमने अपनी फार्मेसी को लेबॉरेटरी को इस अंदाज से लेकर जाना है कि ताकि आने वाले वक्त में कुछ अमाउंट वहाँ से भी जनरेट हो जाए और इसी कंसेशन के साथ हो जाए ताकि हमें एक कुशन मिल जाए जब मंथली हम लोगों को अपनी सैलरीज देते हैं तो उसमें हमें कोई दुश्वारी महसूस ना हो। और उसमें भी सैलरीज के हवाले से भी हमारे पास इतना कुशन होना चाहिए कि जैसे ही पहली दूसरी तारीख आती है तो लोगों की यकीनी बात है नाफिसोली जिसकी जितनी सैलरी है उस हिसाब से उसके अखराजात होते हैं तो वो उनको लेकर आराम से चल सके और हमें भी ये फ़ख्र महसूस हो कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हॉस्पिटल लोगों को बरवक्त जो भी उनकी ज़रूरियात होता है उसको कंसीडर करता है क्योंकि वो हमारी इन तमाम चीज़ों को लेकर आगे चल रहे हैं जिसका हमारा मिशन है। अगर हम ये देखें कि हमारे हॉस्पिटल का इफ्तिताह 3 जुलाई 2023 को हुआ, उसके बाद से अब तक हम तकरीबन कोई 8000 पेशेंट देख चुके हैं और उसमें जो रजिस्टर्ड पेशेंट हैं वो तकरीबन जो है वो 6200 हैं। इसके अलावा नॉर्मल डिलीवरीज हमारे पास 52 हो गई हैं और सी सेक्शन जो है 267 है जिसमें मुख्तलिफ कैटेगरीज के हैं, कैटेगरी 1, 2, 3, ठीक है, उनके भी हमारे पास स्टैटिस्टिकल डेटा बिल्कुल अप टू डेट है अल्हम्दुलिल्लाह। जनरल सर्जरी हम यहाँ पर 250 कर चुके हैं जिसमें दूसरी तमाम सर्जरीज हो जाती हैं जैसे आपके हर्निया है, अपेंडिसाइटिस है, लेप्रोटमी है या गाल ब्लैडर की सर्जरी है या उससे रिलीवेंट कोई कॉम्प्लिकेशन के साथ हमारे पास लैंड करता है तो हम उसे दे रहे हैं ये सर्जरी। और मैंने आपको हाईलाइट कर दिया है कि हमारी ईआर के अंदर क्या सर्विसेज है, क्या तरीक़ाकार है और हमने उसको बहुत ज़्यादा कंसीडर करते हुए मिनिमम जो है वो कोशिश की है कि लोगों की जेब के ऊपर जो है वो उसके अखराजात आएँ। बल्कि अगर आप देखें तो 100 रुपीज़ में पेशेंट चेक भी हो जाए, ECG भी हो जाए, ब्लड शुगर भी हो जाए तो इट बी वेरी बिग अचीवमेंट फॉर द पीपल ऑफ मंडी बहाउद्दीन अल्हम्दुलिल्लाह। इसके साथ NICU का आपको सारा बता दिया है डॉक्टर साकिब साहब ने कि किस तरीके से हम सर्विसेज दे रहे हैं और कोशिश वहाँ पर भी हमारी ये है कि मिनिमम अपनी कास्ट रखें और जो वहाँ प्रोसीजर हम कर सकते हैं वो फ्री ऑफ कास्ट करें। तो वहाँ पर भी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जो है वो चल रहा है। ये हमने 1 दिसंबर से शुरू किया है NICU का, तो इसके स्टेटिस्टिक्स जो आएंगे अब वक्त के साथ हम क्वार्टरली आप लोगों से शेयर किया करेंगे या 6 मंथ, और जो रिव्यू होगा वो हम साल के एंड में करेंगे ताकि आप लोगों को बता सकें कि हम पहले कहाँ खड़े थे, आज हम कहाँ खड़े हैं और लोगों का एतमाद किस हद तक हम जो है वो हासिल करने में कामयाब हुए हैं, ठीक है। और बाकी ये है कि इन फ्यूचर हमें जैसे हमने आपको बता दिया है कि कुछ और हमारे जो प्लान हैं जिसके अंदर हम कुछ और स्पेशलिटीज़ को लाना चाहते हैं। अगर हम यहाँ पर आर्थोपेडिक सर्जन को लाना चाहते हैं तो हमें अपनी ऑपरेशन थिएटर की जो सर्विसेज है उसको एक्सटेंड करना पड़ेगा और अपग्रेड करना पड़ेगा। यानी कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो पर्टिकुलर उन्हीं पेशेंट्स के लिए होते हैं तो वो हमने वहाँ पर लगाना है, इंस्टॉल करना है। इसी तरीके से अगर हम आई सर्जरी की तरफ जाते हैं वो है स्किन की तरफ हमारा प्रोग्राम है इंशाल्लाह स्किन और साइकेट्रिक डिजीज़ के हवाले से। तो इस तरीके से बतजरीज हम लोग जो है अपनी स्पेशलिटीज़ को एक्सटेंड करेंगे। लेकिन वही बात आ जाती है जितना आपका ताबुन रहेगा इंशाल्लाह मैं आपको इंश्योर कराता हूँ कि हमारी तरफ से जो सर्विसेज हैं उसको हम बेहतर से बेहतर करेंगे और आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद हाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं तहे दिल से आपका मशकूर हूँ नासिर साहब का कि जिन्होंने मुझे दावत दी कि मैं आपके साथ इस वक्त शामिल हूँ। आपकी इंटायर टीम जो भी डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर साहब की टीम है, उनको मैंने विज़िट तो नहीं किया परा हॉस्पिटल, लेकिन आपकी एंट्रेंस देख के, आपकी जो भी नुमाइंदगी है वो देख के मुझे ये एहसास है कि आपने बड़ी मेहनत की है और इतने शॉर्ट पीरियड में आप यहाँ तक आपने अचीवमेंट्स की हैं। मेरा तारफ ये है कि मैं रियाजुल जन्नत हॉस्पिटल दोचक शमाली का एग्जेक्टिव हूँ पाकिस्तान में, लेकिन इंटरनेशनली नॉर्वे में इंटरनेशनल हेल्थ यूनिट का एग्जेक्टिव डायरेक्टर हूँ नॉर्वेजियन गवर्नमेंट का। और हमारे पास तकरीबन 260 के करीब प्रोफेशनल्स हैं जो हर वक्त इंटरनेशनल किसी न किसी फोरम पे बात कर रहे होते हैं। एक जिस तरह मैं यहाँ आपके साथ मुखातब हूँ इसी तरह वो कोई ना कोई एक्टिविटीज़ में हिस्सा ले रहे होते हैं। मकसद ये है कि हम ओवरसीज जो एक्स पाकिस्तानी हैं उनमें से नुमाइंदगी पाकिस्तान की हम बाहर आप लोगों की कर रहे होते हैं, तो लेकिन हमारा फ़र्ज़ बनता है कि अपने अपने इलाकों में कुछ ना रिटर्न करें।
तो मैंने हॉस्पिटल दिया है, अब एक स्कूल उसकी ओपनिंग होगी। इस जो रियाजुल जन्नत हॉस्पिटल है उसकी इनॉग्रेशन इमरान खान ने की थी, शायद आपको याद होगा। तो इस वक्त हम सिर्फ गायनी को फोकस करते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब यहाँ पे हैं और इनका इरादा देख के, इनकी बात सुन के ये एहसास हुआ कि जो भी फैसिलिटीज़ हो, जिस तरह से भी सर्विसेज को ये इम्प्रूव करना चाहते हैं, हम इनका साथ देंगे, ये हमारा साथ देंगे। और नासिर मेरा भाई भी है, दोस्त भी है, और हम वहाँ पे भी मिलते हैं, यहाँ पे भी। कल इन्होंने विज़िट किया, आज मैं इनके आपके यहाँ आप लोगों के पास हूँ। जो हेल्थ प्रायोरिटीज़ है ना जी, उसके अंदर सबसे बड़ा टास्क ये होता है कि आपने हेल्थ को किस तरह से लेना है। हेल्थ सिर्फ ये नहीं कि आप बीमार हैं तो आप हॉस्पिटल आएंगे। हॉस्पिटल एक हब होता है जिसके अंदर आपकी सेहत की पूरी मुकम्मल, जिसको कह लेना कि फोर्सफुल एम्पावरमेंट होती है, उसमें ख्वातीन हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, सबकी हेल्थ के लिए हमें काम करना चाहिए। और डॉक्टर्स आपके साथ हैं, पैरामेडिकल स्टाफ आपका साथ है। अब ये है कि अपनी टीम को किस तरह से हम ऑनेस्ट तरीके से डिलीवरी पे लेके आ सकते हैं, किस तरह से वो आपको बेहतर से बेहतर सर्विस जो है ना वो दे सकते हैं, यही हमारा जिम्मेदारी है, यही हमारा टास्क है। और मैं अश्योर करता हूँ कि नासिर साहब की टीम और जितने आप लोग हैं, आप सबको कोई भी, मैं भी दावा देता हूँ, आप वहाँ पे भी आएँ। मैं तकरीबन रमज़ान सारा मंडी में हूँगा और कुछ टाइम वहाँ गुजारूँगा। इस तरह से लाहौर में एक कॉन्फ्रेंस है, वहाँ जाऊँगा, और इसी तरह से इस्लामाबाद के अंदर एक कॉन्फ्रेंस है डॉक्टर्स की, जिसको मैं अटेंड करूँगा। लेकिन मेनली जो है ना, अपने इलाके के अंदर रहना है और अपने इलाके के अंदर जो है ना बेहतर सर्विसेज जो है ना वो देना है। तो मैं आप सबको कंग्रेचुलेट करता हूँ, डॉक्टर साहब की टीम को, तारण भाई की टीम को, और जितने आप साथी हैं, आप मिल के इस चीज़ को आगे लेके जाएं। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। नासिर साहब की तरफ से, उनकी पूरी टीम की तरफ से, आज की इस गैदरिंग के तमाम मौजूद मेहमानों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं, और आज की ये छोटी सी नशिस्त क्लोज़ करते हैं।